एवरीवेयर यू नीड टू सॉल्व देयर वुड बी अ लीडर, ओके. एंड इन केस अगर वो इंट्रापर्सनल होता है, अपने अंदर में आपका बहुत ज़्यादा बहस चल रहा है, यू नीड टू फाइंड अ मेंटोर आउट ऑफ इट. बैठ के उसको डिस्कस करें, उसके बारे में रिसर्च करें कि कैसे चीज़ों को हमें रिजॉल्व करना है. नोट डाउन द पॉइंट्स विच इज़ बॉदरिंग यू, वट इज़ हैपनिंग. टेक आउट केस स्टडीज कि कोई ऐसा फेस कर रहा है तो उसने कैसे रिजॉल्व किया, उनसे बात करो. ओपन आउट, यू नीड टू बी वोकल इन दोज केसेस. एंड इन द रेस्ट ऑफ द केसेस वी नीड टू टॉक. पांच तरीके होते हैं जिससे कि एक कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं, किया जाता है, ओके. एकोमोडेटिंग, अवॉइडिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिंग एंड कम्पीटिंग. हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, रिलेशनशिप एंड गोल. क्योंकि काम कर रहे हो कहीं पे जाके, तो कहीं ना कहीं जाके एक आपका बॉन्ड क्रिएट होता है क्लाइंट के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ. तो हमें रिलेशनशिप भी बचानी है और साथ में जो कंपनी गोल्स हैं, जो पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, SOPs दिए गए हैं, आपको उनको भी फॉलो करना है. आप उनको भी सरपास करके नहीं जा सकते हो. तो हमें ऐसे कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टाइप्स अपनाने पड़ते हैं जो कि दोनों को साथ में लेके बैलेंस करके चले, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट तो आनी है. तो इन दैट केस कहीं कहीं चीज़ों में हमें एकोमोडेट करना पड़ता है, राइट. किसी चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना पड़ता है, कहीं पे हमें कम्पीट करना पड़ता है.